परमेश्वर के दैनिक वचन। केवल परमेश्वर जिसके पास सृष्टिकर्ता की पहचान है ही अद्वितीय अधिकार रखता है। शैतान की विशेष पहचान के कारण कई लोग उसके विभिन्न पहलुओं की अभिव्यक्तियों में गहन रुचि प्रदर्शित करते हैं, यहां तक कि बहुत से ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ शैतान के पास भी अधिकार है, क्योंकि शैतान चमत्कार दिखाने में सक्षम है और वे चीजें करने में सक्षम है जो मानव जाति के लिए असंभव हैं। इस तरह परमेश्वर की आराधना करने के अतिरिक्त मानव जाति अपने हृदय में शैतान के लिए भी स्थान सुरक्षित रखती है, यहां तक कि शैतान की परमेश्वर की तरह आराधना भी करती है। ये लोग दयनीय और घृणित दोनों हैं। वे दयनीय अपनी अज्ञानता के कारण हैं और घृणित अपने पाखंड और अंतर्निहित रूप से दुष्ट सार के कारण। इस मुकाम पर मुझे तुम लोगों को ये सूचित करना आवश्यक लगता है कि अधिकार क्या है, किसका प्रतीक है और क्या दर्शाता है। मोटे तौर पर स्वयं परमेश्वर अधिकार है। उसका अधिकार परमेश्वर की सर्वोच्चता और सार का प्रतीक है, और स्वयं परमेश्वर का अधिकार परमेश्वर की हैसियत और पहचान दर्शाता है। ऐसी स्थिति में क्या शैतान ये कहने की हिम्मत करता है कि वो खुद परमेश्वर है? क्या शैतान ये कहने की हिम्मत करता है कि उसने सभी चीजों का सृजन किया और वो सभी चीजों पर संप्रभुता रखता है? बेशक नहीं, क्योंकि वो सभी चीजों का सृजन करने में असमर्थ है। आज तक उसने कभी परमेश्वर द्वारा निर्मित कोई चीज नहीं बनाई और कभी ऐसी किसी चीज का सृजन नहीं किया जिसमें जीवन हो। चूंकि उसके पास परमेश्वर का अधिकार नहीं है, इसलिए उसके पास कभी परमेश्वर की हैसियत और पहचान नहीं हो सकती, और ये उसके सार से निर्धारित होता है। क्या उसमें परमेश्वर के समान सामर्थ्य है? बेशक नहीं है। हम शैतान के कार्यों और शैतान द्वारा प्रदर्शित चमत्कारों को क्या कहते हैं? क्या वो सामर्थ्य है? क्या उसे अधिकार कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। शैतान बुराई के ज्वार को निर्देशित करता है और परमेश्वर के कार्य के हर पहलू को खराब करता, बिगाड़ता और बाधित करता है। पिछले हजारों साल से मनुष्य को मौत की छाया की घाटी की ओर चलवाने के लिए मानव जाति को भ्रष्ट करने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने और मनुष्य को लालच और धोखा देकर दुष्टता की ओर धकेलने और परमेश्वर को नकारने के अलावा क्या शैतान ने कुछ भी ऐसा किया है जो मनुष्य के थोड़े से भी स्मरण, प्रशंसा या उसके द्वारा संजोए जाने के योग्य है? अगर शैतान के पास अधिकार और सामर्थ्य होते तो क्या उसके द्वारा मानव जाति भ्रष्ट की जाती? अगर शैतान के पास अधिकार और सामर्थ्य होते तो क्या उसके द्वारा मानव जाति को नुकसान पहुंचाया जाता? अगर शैतान के पास सामर्थ्य और अधिकार होते तो क्या मानव जाति परमेश्वर को छोड़कर मृत्यु की ओर मुड़ती? चूंकि शैतान के पास कोई अधिकार या सामर्थ्य नहीं है,
इसलिए जो कुछ वो करता है उसके सार के बारे में हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए। कुछ लोग हैं जो शैतान के सभी कार्यों को मात्र चालबाजी के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी परिभाषा ज्यादा उपयुक्त नहीं है। क्या उसके द्वारा मानव जाति को भ्रष्ट करने के लिए किए जाने वाले दुष्कर्म केवल चालबाजी हैं? शैतान ने जिस बुरी ताकत से अय्यूब के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके साथ दुर्व्यवहार कर उसे निगल जाने की उसकी तीव्र इच्छा शायद केवल चालबाजी से पूरी नहीं हो सकती थी। बीती बातों पर सोचें तो अय्यूब के भेड़ बकरियों और गाय बैलों के झुंड जो दूर दूर तक पहाड़ियों और पहाड़ों पर बिखरे हुए थे एक ही क्षण में चले गए। अय्यूब की विशाल संपत्ति एक ही पल में गायब हो गई। क्या ये केवल चालबाजी से हासिल किया जा सकता था? शैतान जो कुछ भी करता है उसकी प्रकृति बिगाड़ना, बाधित करना, नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना, बुराई, दुर्भावना और अंधकार जैसे नकारात्मक शब्दों के साथ मेल खाती और सही बैठती है। इसलिए जो कुछ भी अधार्मिक और बुरा है उसका होना शैतान के कार्यों के साथ अटूट रूप से जुड़ा है और शैतान के दुष्ट सार से अविभाज्य है। शैतान चाहे जितना भी सामर्थ्यवान हो, चाहे वो जितना भी दुस्साहसी और महत्वाकांक्षी हो, चाहे नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता जितनी भी बड़ी हो, चाहे मनुष्य को भ्रष्ट करने और लुभाने की उसकी तकनीकें जितनी भी व्यापक हों, चाहे मनुष्य को डराने की उसकी तरकीबें और योजनाएं जितनी भी चतुराई से भरी हों, चाहे उसके अस्तित्व के रूप जितने भी परिवर्तनशील हों, वो कभी एक भी जीवित चीज सृजित करने में सक्षम नहीं हुआ। कभी सभी चीजों के अस्तित्व के लिए व्यवस्थाएं या नियम निर्धारित करने में सक्षम नहीं हुआ और कभी किसी सजीव या निर्जीव चीज पर शासन और नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हुआ। ब्रह्मांड और आकाश के भीतर एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जो उससे पैदा हुई हो या उसके कारण अस्तित्व में हो। एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जो उसके द्वारा शासित हो या उसके द्वारा नियंत्रित हो। इसके विपरीत उसे न केवल परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन रहना है बल्कि परमेश्वर के सभी आदेशों और आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान के लिए जमीन पर पानी की एक बूंद या रेत का एक कण छूना भी मुश्किल है। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान धरती पर चींटियों का स्थान बदलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। परमेश्वर द्वारा सृजित मानव जाति की तो बात ही छोड़ दो। परमेश्वर की दृष्टि में शैतान पहाड़ पर उगने वाली कुमुदनियों से, हवा में उड़ने वाले पक्षियों से, समुद्र में रहने वाली मछलियों से और पृथ्वी पर रहने वाले कीड़ों से भी तुच्छ है। सभी चीजों के बीच उसकी भूमिका सभी चीजों की सेवा करना, मानव जाति के लिए कार्य करना और परमेश्वर के कार्य और उसकी प्रबंधन योजना के काम आना है। उसकी प्रकृति कितनी भी दुर्भावनापूर्ण क्यों न हो और उसका सार
कितना भी बुरा क्यों न हो, केवल एक चीज जो वो कर सकता है वो है अपने कार्य का कर्तव्य निष्ठा से पालन करना, परमेश्वर के लिए सेवा देना और परमेश्वर को एक विषमता प्रदान करना। ऐसा है शैतान का सार और उसकी स्थिति। उसका सार जीवन से असंबद्ध है, सामर्थ्य से असंबद्ध है, अधिकार से असंबद्ध है। वो परमेश्वर के हाथ में केवल एक खिलौना है। परमेश्वर की सेवा में रत सिर्फ एक मशीन है।